हे दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो क्या आप ऑनलाइन अर्निंग करके डेली के 100-2000 रुपए कमाना चाहते हो? अगर हाँ तो आप एकदम सही वीडियो पे क्लिक करें। बस आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी है और आप इस वीडियो को वॉच करने में डेली के 100-2000 रुपए आराम से अर्न कर लोगे। भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि आपको हिंदी बोलना आता है? बे साले। तो गाइस आज मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पे आप लोगों को स्टोरी बता के अर्निंग कर सकते हो। जी हाँ गाइस, स्टोरी बता के, लिख के नहीं। आप यहाँ पे लोगों को स्टोरी बता सकते हो, आप यहाँ पे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, आप यहाँ पे लोगों को शायरी सुना सकते हो। जी हाँ गाइस, आप यहाँ पे लोगों को शायरी सुना के अर्निंग कर सकते हो, वो भी डेली के 2-3 हज़ार रुपये एकदम आराम से। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो शायरी करने पर भी अर्निंग देती है? तो गाइस ऐसी एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन का नाम है खबरी। खबरी ऐप। इस एप्लीकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस एप्लीकेशन में आपको दो तरीके मिल जाते हैं अर्निंग करने के। पहला लॉन्ग टर्म के लिए होता है और एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए आपको एक छोटा सा क्राइटेरिया पूरा करना होता है। क्राइटेरिया ये होता है कि आपको उस पर पहले 100 फॉलोअर्स गेन करने होते हैं। 100 फॉलोअर्स गेन करने के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है जब आप सिल्वर पे जाते हो। उससे पहले आप राइजिंग स्टार पे रहते हो। और अगर गाइज आप शॉर्ट टर्म अर्निंग करना चाहते हो तो गाइज वो अर्निंग एकदम ईजिली हो जाती है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज एप्लीकेशन का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि आप कैसे खबरी ऐप का यूज़ करके अर्निंग कर सकते हो, वो भी डेली के 1-2 हज़ार रुपये। सो गाइज जैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सिंपली अपनी लैंग्वेज चूज कर लेनी, जो भी आप लैंग्वेज बोलते हो। साथ में आपको यहाँ पे लॉग इन साइन अप विद फोन, यहाँ पे आपको अपने नंबर से साइन अप कर लेना। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे आपका नंबर मांगेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना नंबर फिलअप कर देना। नंबर फिलअप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेंड OTP पे टैप करना। जैसे आप सेंड OTP पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपका OTP आएगा। जैसे आपको OTP आ जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना OTP फिलअप कर देना। जैसे आप यहाँ पे अपना OTP फिलअप कर, जैसे आप सबमिट पे टाइप करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा है क्रिएट योर फर्स्ट चैनल। हाँ, यहाँ पे आपको अपना चैनल बनाना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइक यूट्यूब जैसा है तो गाइस ये बिल्कुल यूट्यूब जैसा नहीं है। बाकी का जो प्रोसेस है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहे। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे क्रिएट योर चैनल पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सिंपली अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी, जो भी आपके ऐड चैनल इमेज। यहाँ पे आपको अपने सिंपली इमेज सेलेक्ट कर लेनी, जो भी आप चैनल का इमेज रखना चाहते हो लाइक प्रोफाइल। फिर यहाँ पे जो दूसरी कैटेगरी, यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो है सिलेक्ट कैटेगरी। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे, न्यूज़, गवर्नमेंट जॉब, नॉलेज, मोटिवेशन। लाइक यहाँ पे आप जो भी कंटेंट पोस्ट करोगे उसकी कैटेगरी क्या रहेगी। अगर आप न्यूज़ देना चाहते हो, आप लाइक लोगों को न्यूज़ के बारे में बताना चाहते हो तो आप यहाँ पे न्यूज़ कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। और अगर यहाँ दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब, लाइक यहाँ पे आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हो तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब चूज़ कर सकते हो। लाइक ये एग्ज़ाम है, ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो आप उस चीज़ की यहाँ पे नॉलेज दे सकते हो गवर्नमेंट जॉब चूज़ करके। तीसरा ऑप्शन है हमारा नॉलेज। यहाँ पे आप गाइस नॉलेज भी बता सकते हो। लाइक नॉलेज आप किसी भी चीज़ की, जैसे आपको कोई भी चीज़ की नॉलेज, आप वो नॉलेज यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है मोटिवेशन। लाइक आप यहाँ पे मोटिवेशन भी दे सकते हो हर्षवर्धन जी के जैसा, संदीप महेश्वरी जी के जैसा। सो जैसे आप आपको यहाँ पे सिंपली अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेते हो। गाइस मैं यहाँ पे नॉलेज सिलेक्ट कर लेता हूँ और डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपना चैनल का नाम ले लेते हो। गाइस यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम नथिंग डेप्थ रख लेते हैं। गाइस यहाँ पे आपको जो अपना चैनल है कुछ नंबर से रिलेटेड रखना, यूनिक रखना है, थोड़ा सा यूनिक टाइप। यहाँ पे जो गाइस ऑप्शन, यहाँ पे जो गाइस फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख लेना। लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भरपूर ज्ञान। तो गाइस यहाँ पे मैंने ऐसे डिस्क्रिप्शन रख लिया है भरपूर ज्ञान। तो आपको सिंपली ये करने के बाद आपको क्रिएट चैनल पर टैप कर देना है। तो जैसे आप क्रिएट चैनल पर टैप करते हैं तो ये आप थोड़ा प्रोसेस लेगा और ये आपका चैनल बना देगा। जैसा आपका चैनल बन जाएगा तो गाइस आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, तो यहाँ इसको आप ओके कर देना है। तो गाइस जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चैनल क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे अर्निंग कैसे होगी और आपको यहाँ पे क्या करना है, तो वो जो सब चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप दो तरीके से पैसा कर सकते हो, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट। आपको जस्ट 5-7 मिनट की ऑडियो को रिकॉर्ड करना है और उसको अपलोड करना है। अब आप सोच रहे होंगे इसको अपलोड करने से पैसे कैसे आएंगे। लाइक आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट हो, लाइक आपने जिस भी कैटेगरी का चैनल बनाया हो, लाइक गवर्नमेंट जॉब हो गया, नॉलेज हो गया, या मोटिवेशन हो गया, या फिर न्यूज़ हो गया, तो आपको वही चीज़ रिकॉर्ड करके अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको अपना फेस रिवील नहीं करना है, जस्ट आपको अपनी ऑडियो देनी है एंड आपकी ऑडियो पे जितने व्यूज़ आएंगे और जितने पर्टिकुलर व्यूज़ से व्यूज़ होंगे उसी के हिसाब से आपकी अर्निंग होगी।
सो लॉन्ग टर्म अर्निंग करने के लिए आपको क्या करने का है, मैं आपको बता दूँ। तो सिंपली गाइस यहाँ पे आपको एक क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली इस क्रिएट के ऑप्शन पर टैप करना है। तो जैसे आप गाइस क्रिएट के ऑप्शन पर टैप करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा है क्लिक टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो गाइस सिंपली आपको इस क्लिक टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर टैप करना है। सो गाइस जैसे आप उस पर टैप करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग शुड बी मिनिमम 45 सेकंड। आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो मिनिमम 45 सेकंड होनी चाहिए। अगर गाइस ये 45 सेकंड से कम होती है तो ये रिकॉर्डिंग को आगे अप्रूव नहीं करता। गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे गाइस मैं यहाँ पे क्लिक टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग में टैप करता हूँ तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी। तो गाइस आपको सिंपली आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, जिस भी कैटेगरी का आपने चैनल बनाया आपको उस कैटेगरी के रिलेटेड आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं 14 सेकंड हो चुके, तो गाइस मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको 45 सेकंड से कम की रिकॉर्डिंग नहीं करनी। अगर मैं यहाँ पे डन पे टैप करता हूँ तो दिखाता है रिकॉर्डिंग शुड बी मिनिमम 45 सेकंड। तो गाइस पहले मैं 45 सेकंड की रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। सो सिंपली गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग हमने 45 सेकंड से ऊपर की कर ली है। यहाँ पे आपको सिंपली आप डन पे टैप कर देना। जैसे आप यहाँ पे डन पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिस पे लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू पोस्ट द रिकॉर्ड फाइल। तो आपको यहाँ पे सिंपली यस पे टाइप कर, जैसे आप यस पे टाइप कर तो ये थोड़ा लोड लेगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इसका इंटरफेस आएगा। आप यहाँ से गाइस अपनी ऑडियो को सुन सकते हो, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो ऑडियो स्टार्ट है मेरी जो, और यहाँ पे गाइस आप अपने ऑडियो का टाइटल दे सकते हो। तो गाइस मैंने तो ऑडियो में कुछ भी नहीं करा है तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ नथिंग। गाइस हमारे चैनल का नाम भी नथिंग और मैं टाइटल भी नथिंग दे देता हूँ। और जो हमारे यहाँ पे दूसरा है वो है डिस्क्रिप्शन, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपने रिकॉर्ड करा है वो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो गाइस यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कुछ नहीं बिकॉज गाइस हमने कुछ भी नहीं करा है इसमें। सो गाइस ये करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड म्यूजिक का। सो गाइस यहाँ पे आप आपने जो रिकॉर्ड करा है उसके उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करने के लिए आपको सिंपली ऐड म्यूजिक पे टैप करना है। सो गाइस जैसे आप ऐड म्यूजिक पे टैप करते हो आपके यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिल जाते हैं। आपको सिंपली किसी भी म्यूजिक पे सिलेक्ट पे टैप करके डन कर दें, तो सिलेक्ट पे टैप करके डन लोड, ये थोड़ा लोड लेगा, लोड लेने के बाद सिंपली डन पे टैप कर दें तो आपका जो म्यूजिक जो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो यहाँ पे लग चुका है। और जो यहाँ पे गाइस दूसरा ऑप्शन है वो है क्लिप ऑडियो को, तो यहाँ से आप क्लिप ऑडियो पर जब टैप करते हो तो गाइस यहाँ से आप ऑडियो को कट भी कर सकते हो, कट आउट जो भी करना चाहता हो गाइस वो यहाँ से आप कर सकते हो। सो गाइस अब यहाँ पे आपको चूजर सब कैटेगरी पर टैप करना है। तो जैसे आप सब कैटेगरी पर टैप करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे जो जो आप जो आपके चैनल बनाते समय थे गवर्नमेंट जॉब मोटिवेशन नॉलेज। तो गाइस हमने तो कुछ भी नहीं करा बट यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा क्योंकि हमने वहाँ पे डाल रखा था। तो अब हम नॉलेज पे टैप कर देते हैं, जैसे हम नॉलेज पे टैप करते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सो गाइस यहाँ पे आप अपनी ऑडियो का थंबनेल भी लगा सकते हो। जी हाँ गाइस बिल्कुल यूट्यूब की तरह आप यहाँ पे थंबनेल लगा सकते हो, या आप यहाँ पे कैनवा पिक्सल ऐप जैसे ऐप का यूज़ करके थंबनेल बना के यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। आपको सिंपली अपलोड करने के लिए इस पेन वाले आइकन पे टैप करना है, उसके बाद में आपको साइड में गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे इसको गैलरी पे टैप करते हो। यहाँ से आप कोई भी थंबनेल यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा गाइस आपको साइड में और भी थंबनेल मिल जाते हैं। तो गाइस जहाँ से हम कोई थंबनेल ले लेते हैं, सो गाइस हम यहाँ पे एजुकेशन का थंबनेल ले लेते हैं। जैसे हमने एजुकेशन पे टैप करा हमारे थंबनेल लग चुका है। तो गाइस यहाँ से करने के बाद शेड्यूल फॉर अ लेटर, और यहाँ पे आपको पब्लिक प्राइवेट डिलेट शेड्यूल फॉर लेटर, तो आप यहाँ पे शेड्यूल भी लगा सकते हो, पब्लिक करनी है तो पब्लिक कर सकते हो, प्राइवेट करनी है तो प्राइवेट कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे, सो गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन है टैग का, तो यहाँ पे आप गाइस टैग भी दे सकते हो। तो गाइस यहाँ पे हम नॉर्मल से टैग दे देते हैं नथिंग एंड डन, और कुछ नहीं। सो गाइस यहाँ पे देखो जैसे टैग आ चुके हैं, हम यहाँ पे नथिंग चूज कर लेते हैं। सो गाइस मैं इसको पहले प्राइवेट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने कुछ इसमें रिकॉर्ड नहीं करा। आप इसको पब्लिक पे करके पब्लिश कर देना। जैसे आप यहाँ पे पब्लिश कर दे थोड़ा सा लोड लेगा एंड आपकी जो ऑडियो है वो अपलोडिंग योर ऑडियो इज स्टार्ट, आपकी जो अपलोडिंग है वो स्टार्ट। यहाँ पे अर्निंग कैसे होगी, जो गाइस आपकी ऑडियो पे जितने व्यूज आएंगे उसी पर्टिकुलर व्यूज पे आपकी अर्निंग होती है। जितने व्यूज आएंगे उसी हिसाब से आपकी अर्निंग, जो आपका अमाउंट होगा सारा आपके यहाँ जो ऊपर वाले ऑप्शन यहाँ पे एक मनी का ऑप्शन सा दिख रहा होगा यहाँ पे आपके वॉलेट में आ जाएगा। सो अब हम बात कर लेते हैं कि आप शॉर्ट टाइम अर्निंग कैसे कर सकते हो। जैसे कि आज मैंने बताया था, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। तो मैं शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर लेता हूँ। सो गाइस सिंपली आपको शॉर्ट टर्म अर्निंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा गिग्स का, तो यहाँ पर सिंपली गिग्स पे टैप करना। जैसे आप गिग्स पे टैप कर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिएटर चॉइस गिग अर्न 5000 कॉइन। सो गाइस आपको सिंपली, बाय द वे गाइस ये गिग अभी एंड हो चुके तो आप अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। आप चेक करते रहें, जैसे ये गिग आते तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये आप पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली ये व्यू मोर पे टैप करना है, तो यहाँ पे आपको जो इसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस है वो आपको बता देगा। यहाँ पे सिंपल सी ये चीज़ें, बस यहाँ पे गाइस ये लिखा रहता है कि जो 10 विजेता होगा, जो 10 विजेता होंगे उनमें से किसी 5 विजेता को ये प्राइज़ मिलेगा। ये गाइस ज़्यादा हार्ड नहीं, आप नॉर्मली कर लोगे।
और गाइज जैसा कि देख सकते हो ये लिखा है राइजिंग स्टार की। तो गाइज अब मैं इसका मतलब थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप स्टार्टिंग में राइजिंग स्टार पे होंगे, फिर आप सिल्वर पे जाओगे, वो क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गाइज यहाँ पे आपको चैनल पे टैप करते हो तो गाइज यहाँ पे आपको एक पोल और शेयर के बीच में एक राइजिंग स्टार का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर टैप कर लेना है। तो गाइज जैसा आप यहाँ पे टैप करते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइजिंग स्टार अर्न फ्रॉम गिग्स मिनिमम कंटेंट जीरो फॉलोअर जीरो। सो गाइज सिंपली आपको सिल्वर पर जाने के लिए You have zero followers, you need 100 followers to get the silver level. So आपको गाइस सिंपली सिल्वर पे जाने के लिए 100 followers की नीड होती है। तो क्योंकि जैसे आप 100 followers हो जाते हैं आप सिल्वर पे चले जाते हो, सिल्वर पे जाने के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और जो गाइस राइजिंग स्टार पे आपको जो गिग्स मिलते हैं आपको सिंपली उस गिग्स के लिए आपको आप जितने कंटेंट बनाते जाओगे आपके आप जितने कंटेंट बनाओगे आप पे उतने व्यूज आएंगे और जितने व्यूज आएंगे उतने व्यूज पे आपको उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। सो अब हम बात कर लें वो जो अर्निंग होगी वो आप विड्रॉ कैसे करोगे। सो जो भी आपकी अर्निंग हो तो यहाँ पे आपको शो कर देंगे। सो जैसे आप यहाँ पे सेटिंग पे टैप करो तो उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा माई पेमेंट्स, आपको यहाँ पे माई पेमेंट्स पे टैप करना है। तो जैसे माई पेमेंट्स पे टैप करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे गाइस हमारे वॉलेट में 1 भी रुपये नहीं, क्योंकि मैंने अभी न्यू अकाउंट बनाया था, अदरवाइज मैं आपको विड्रॉ करके दिखा देता। यहाँ पे आपको सिंपली जैसे आप यहाँ पे अर्निंग कर लेते हो आपके जितने भी कॉइन बनते हैं वो यहाँ पे आपके वॉलेट में शो हो जाएंगे। आपको सिंपली विड्रो मनी नाउ पे टैप करना है। जैसे आप विड्रो मनी नाउ पे टैप करते हो आप विड्रो कर लोगे। और गाइस जो विड्रो है वो ओनली फॉर फ्राइडे को होता है। सो एवरी फ्राइडे को आप यहाँ से पेमेंट अपनी विड्रॉ कर सकते हो। सो ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक एप्लीकेशन है फॉर स्टूडेंट्स और जो लोग लाइक घर पे रहते हैं कुछ करते नहीं फ़ोन लाइक चलाते रहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा। और जिन लोगों को लाइक यूट्यूब पे फेस कैम वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं तो उनको अपना फेस रिवील नहीं करना है, उनको सिंपली अपनी ऑडियो देनी है, उससे आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके अर्निंग कर सकते हो। आपको गाइस मैंने दोनों तरीके बता दी कि आप कैसे लॉन्ग टर्म और कैसे शॉर्ट टर्म दोनों तरीके से अर्निंग कर सकते हो। बाय द वे गाइस अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके आंसर कर दूंगा। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।